हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मॉडर्न गुरुकुल में आप सबों का स्वागत करता हूं। यहां पर मैं मैथ से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो बनाते रहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में ट्रिगोनो और मेट्री ये दो वर्ड से मिलकर बने हुआ है। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब एक ट्रायंगल का उसके साइड के साथ और एंगल का रिलेशन जब हमें पढ़ना होता है तो उस सेक्शन को, मैथ्स के उस सेक्शन को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं हम लोग। और हमें एप्लीकेशन क्लास टेंथ में जो पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़नी है सेकेंड टर्म में, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम जब एंगल गिवेन हो और कोई साइड गिवेन हो तो हम दूसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो टर्म्स आते हैं, कुछ टर्म्स, वो टर्म्स हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। जैसा मैंने आपको यहां पे शो कर रखा है, देखते हैं पहले ये क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री हम फॉर्म करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो परपेंडिकुलर साइड है वो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। साइन एक रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसको साइन के एंगल से हम लोग डिनोट करते हैं। साइन इक्वल्स टू पी बाई एच, cos equals to b by h, b by h means base upon hypotenuse, tan equals to p by b मतलब perpendicular upon base। ये सारी चीजें आप हाफ ईयरली में पढ़ चुके हैं। साइन का इनवर्स होता है cosec, तो h by p hypotenuse upon perpendicular, sec equals to base upon hypotenuse और cot equals to base upon perpendicular। इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड जब हम करते हैं तो दो टर्म्स और आते हैं इसमें। वो दोनों टर्म्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। पहला टर्म्स है एंगल ऑफ इलेवेशन, और दूसरा टर्म्स है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई भी एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बन रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड थर्ड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, कहीं भी टॉप है और आप नीचे से ऊपर की तरफ उसको देखते हैं, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखी जाए तो ये एंगल जो फॉर्म होगा ये एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपका फ्रेंड आपको यदि ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। बट याद रखें कि एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। यहां पे यदि आपका फ्रेंड देख रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे कुछ है नहीं, हम यहां पे एक इमेजिनरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये एंगल जो फॉर्म होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आप जो प्रॉपर्टीज है पहले के क्लासेस में, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी है कि प्रॉपर्टीज ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंगली ये एंगल जितने का फॉर्म होगा वही एंगल यहां पे भी फॉर्म होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यदि यहां पे x डिग्री का फॉर्म हो रहा है तो यहां पे भी x डिग्री का फॉर्म होगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जनरली हमारे चैप्टर्स में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें साइन की वैल्यू, साइन 30, कॉस 30, साइन 45, कॉस 45, टैन 45, जनरली यही वैल्यू पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर रोप से बंधा एक खंभे से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर वन, फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। एक 20 मीटर का रोप है जिस और ये एक खंभे से बंधा हुआ है, ये है खंभा पोल और ये रोप है। हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी अपॉन सी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी पोल की लंबाई कितनी है जिसमें 20 मीटर के रोप से बंधा हुआ है एक पोल के साथ और ये इसे क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए आप रिलेशन में कभी भी देखेंगे साइन के साथ एक एंगल दिया हुआ होगा, ऑलवेज तीन चीजें होती हैं, साइन का एक एंगल, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक या कॉट, ये छह में से कोई एक एंगल गिवन होगा और दो साइड बी बाय एच एक साइड अपॉन दूसरी साइड ये गिवन होगी। इन तीन चीजों में से कोई दो चीज ऑलवेज गिवन होता है क्वेश्चन में, आपको एक चीज फाइंड करना है तो आसानी से निकल जाता है। चलिए हम करते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी पी है और ये ए सी एच है, पी अपॉन एच, पी बाई एच इक्वल्स टू साइन और यहां पे एंगल बताया गया था 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप को निकालनी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाइड बाय साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो एसी की वैल्यू पुट करेंगे आप, एसी 20 मीटर ये हमारा रोप है, 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल्स टू 10 मीटर। ए बी हमारा क्या था, ए बी खंभा था, ए बी पोल था, इसी पोल का लेंथ निकालने के लिए आपको कहा गया था, तो पोल की लंबाई पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ट्री है जो कि स्टॉर्म में आंधी में तूफान में टूट गया है और टूटने के बाद एक ट्री है जो कि बीच से या किसी एक पॉइंट से टूट गया है और टूटने के बाद वो अपने रूट से जो उसका पार्ट टूटा है बेंड हुआ है वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे है और यहां पे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हमें ट्री की हाइट बतानी है, ए बी सी और डी। देखिए यहां पे हमें पूछा गया है टोटल एसी का लेंथ जो कि पूरा ट्री है, ए बी वाला टुकड़ा जो था पहले पेड़ ऐसे खड़ा था, यहीं से ये टुकड़ा टूट गया है और टूट के बी डी बन गया है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ए बी और बी डी दोनों इक्वल है क्योंकि ए बी का टुकड़ा ही टूटकर नीचे आया है। तो इस फिगर में हम कोशिश करते हैं कि इसको ना करें, बी सी डी ट्रायंगल में फिगर में हम करेंगे, जो स्टैंडिंग पोर्शन है सिर्फ उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग पार्ट निकालते हैं, बीसी ट्री कितना है, टूटा हुआ जो नहीं टूटा हुआ है वो कितना है, बीसी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बीसी पी होता है, ये बी है, बीसी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 10/30। 10/30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3, ठीक है। बीसी हमें फाइंड करना है तो बीसी
और सीडी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और सीडी की वैल्यू दे भी रखी है तो सीडी के लिए मैं यहां पे 8 पुट कर देता हूं। ये वैसे होता क्या, बीसी इक्वल्स टू सीडी अपॉन रूट 3 हो जाता, तो यही सीडी की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी है। तो बीसी इक्वल्स टू 8√3 मीटर आ गया। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एसी, तो हाफ पार्ट तो हमने निकाल लिया। अब चलिए देखते हैं एबी कैसे निकलेगा। एबी के लिए फिर से रिलेशन देखिए, एबी तो निकाल नहीं पाएंगे हम। ऐसा करते हैं कि बीडी निकालते हैं। बीडी निकालने के लिए देखिए, ये साइड और ये साइड में से एक साइड नहीं गिवन है, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। अगेन तीन चीजों में आपको दो चीज गिवन है, तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए करते हैं, सीडी अपॉन बीडी, सीडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्या है बी और बीडी क्या है एच, तो बी अपाई एच क्या होता है, ये होता है कॉस 30। सीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 मीटर, और बीडी हमें पता नहीं है, इसी यही फाइंड करना है। हम बीडी फाइंड करते के साथ बीडी और बीसी दोनों को जोड़ देंगे तो ट्रेन का ट्री का एक्चुअल लेंथ निकल जाएगा। तो 8/BD इक्वल्स टू कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बीडी √3 इक्वल्स टू 16, और बीडी इक्वल्स टू 16/√3। बीसी हमने निकाल लिया 8√3, और बीडी हमने निकाल लिया 16√3। ये टूटा हुआ टुकड़ा था और ये स्टैंडिंग पोर्शन में ट्री था। दोनों को एड अप कर देंगे, दैट मींस कि ट्री का एक्चुअल लेंथ क्या होगा, ट्री हाइट, ट्री हाइट बिफोर ब्रेकिंग, जब वो टूटा नहीं था तो कितनी हाइट थी, तो ट्री की हाइट कितनी थी 8/√3, 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम ले लेंगे आप, ये होगा √3, 18 + 16 दैट इज 24। आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। देखिए रैशनलाइज क्या होता है, रैशनलाइज में हम नीचे डिनोमिनेटर में जो रूट्स होते हैं उस रूट्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, आप इसको करेंगे ये आएगा 24√3 अपॉन 3, 3 8 = 24, दैट मीन्स ट्री की हाइट हो गई 8√3 मीटर। तो ये हमारा 8√3 मीटर ट्री की हाइट हो गई। थर्ड क्वेश्चन में एक कॉन्ट्रैक्टर को एक पार्क में दो स्लाइडर लगाने के लिए कहा गया है, जिसमें एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए, और उसका जो स्लोप बनाया जाता है बड़े बच्चों के लिए वो ज्यादा स्टिफ होता है, मतलब वो ज्यादा एंजॉय कर पाए, और छोटे बच्चे डरते हैं इसलिए उसकी स्लोपिंग कम की जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है, दो स्लाइडर लगाने हैं। फर्स्ट स्लाइडर में स्लाइडर की हाइट 1.5 मीटर है और एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री का है। सेकेंड स्लाइडर के केस में ये हाइट 3 मीटर की गई है और ये 60 डिग्री का एंगल है। तो बताया जा रहा है कि ये स्लाइडर का लेंथ बताइए, ये स्लाइडर इसे कितनी बड़ी स्लाइडर लगानी पड़ेगी। दो अलग अलग क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, ए बी सी, और इसका नाम देते हैं हम लोग एक्स वाई और जेड। पहले वाले केस में हमें एसी आइडेंटिफाई करने हैं और दूसरे वाले केस में एक्स जेड आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा स्लाइडर का लेंथ है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, हमने क्या निकालना है एसी। तो एसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी बाई एच,
ए बी अपॉन ए सी, पी बाई एच, पी बाई एच क्या होता है साइन, तो यहां पे साइन 30 डिग्री। अब ए बी कितना मेंशन है 1.5 अपॉन ए सी हमने आइडेंटिफाई करना है जो कि स्लाइडर का लेंथ है छोटे बच्चों के लिए साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ए सी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई टू दैट इज 3 मीटर। तो फर्स्ट केस में स्लाइडर का जो होगा लेंथ वो 3 मीटर का होगा, दूसरे केस में स्लाइडर कितना बड़ा होगा ये देखते हैं। एक्स वाई अपॉन एक्स जेड इक्वल्स टू साइन 60 पी अपॉन एच। एक्स वाई गिवेन है तो एक्स वाई 3 मीटर बाई एक्स जेड आइडेंटिफाई करना है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स जेड और √3 एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स जेड इक्वल्स टू 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये हो जाएगा 6 अपॉन √3। रैशनलाइज कर देंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई √3 बाई √3 इंटू √3, √3 और √3 मिलकर बनते हैं 3, तो ये हो गया 6 √3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3 1 जा 3 3 2 जा 6, आंसर आएगा √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टावर है जो कि टावर 30 मीटर दूर है एक पॉइंट से, और टावर के हाइट से, टावर का जो हाइट है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये एक पॉइंट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये एक पॉइंट से किसी एक सर्टेन पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में हाइट, टावर की हाइट निकालनी है। अब हमेशा रिलेशन, जब भी आप रिलेशन खोज लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आसानी से फॉर्म बन जाएगा। तीन चीज होते हैं, तीन चीज में दो चीज हमें गिवन होता है, एक चीज आइडेंटिफाई करनी होती है। ए बी सी, अब देखिए यहां पे एक डिस्टेंस तो 30 मीटर दिया हुआ है, दूसरा एक एंगल दिया हुआ है, तीसरा हमने निकालना है टावर की हाइट, तो ये तो हम रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में निकाल लेंगे। कैसे, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, जो कि हमारा ए बी टावर की हाइट है, ए बी हमें आइडेंटिफाई करना है, इक्वल्स टू टेन 30, क्योंकि पी बाई बी इक्वल्स टू टेन होता है। तो ए बी कितना है हमें फाइंड करना है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इंटू टेन 30। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। बी सी 30 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3, इस रूट में आया आंसर, तो आपको उसको रैशनलाइज करना जरूरी है। मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 30 √3 और नीचे 3, √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, 3 1 जा और 3 10 जा। तो हमने फाइंड कर लिया कि टावर की हाइट 10√3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 में काइट उड़ाया जा रहा है, जैसा कि आप सब पतंगबाजी करते हैं, तो काइट उड़ाया जा रहा है, काइट की हाइट 60 मीटर दे रखी है कि काइट 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, 60 मीटर की हाइट है काइट की,
और एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है। जो नॉर्मली जब काइट उड़ाते हैं हम, तो काइट कुछ इस तरह का उसका स्ट्रिंग इस तरह का दिखता है हमें, लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि काइट की जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो 60 मीटर की हाइट पे काइट उड़ रही है, ये स्ट्रिंग का मेजरमेंट हमने निकालनी है, और एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री का हो रहा है। तो चलिए निकालते हैं हम ए बी सी, नाम दे दिया हमने। अब हमने निकालना क्या है, ए सी जो कि स्ट्रिंग है। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी पी बाई एच। पी बाई एच हमारा साइन होता है साइन 60 डिग्री। ए बी मेजरमेंट दे दिया गया है 60 अपॉन ए सी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी रूट 3 इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 2। ए सी इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई रूट 3। अगेन हम यहां पे रैशनलाइज करेंगे, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 जो कि हो जाएगा 60 रूट 3 इंटू 2 अपॉन 3। 3 वन जा और 3 20, 22 जा 40। तो आंसर हमारा आया 40 रूट 3 मीटर। ये 40 रूट 3 मीटर हमारा क्या आया, स्ट्रिंग का लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। हम चलिए बच्चे को बना लेते हैं। बच्चा 1.5 मीटर का हाइट है और वो इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। वो इस बिल्डिंग की तरफ जब बढ़ रहा है तो उसने पहले देखा कि उसकी बिल्डिंग के टॉप के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। थर्टी डिग्री का एंगल उसके आईज के साथ बनेंगे, उसकी फुट के साथ नहीं, पैरों के साथ नहीं। और एक चीज हमेशा फिगर में ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चे ड्रॉ करते वक्त कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। सब कुछ कीजिए कि एक फिगर उसने ड्रॉ करा और यहां पे लिख दिया वो 30 डिग्री और यहां पे 60 डिग्री। देखिए ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि ये एंगल जितना करीब आते जाएगा उतना ये परपेंडिकुलर बनता चला जाएगा। तो ग्रेजुअली जितना आप दूर जाएंगे आपके एंगल्स उतने छोटे होते जाएंगे, बड़े नहीं होंगे। तो ये उल्टा हो गया, यहां पे 30 होना चाहिए था और यहां पे 60। आप यदि फिगर ड्रॉ करते वक्त ये मिस्टेक करते हैं तो ये बहुत सिली मिस्टेक है, और ये आप आसानी से देख सकते हैं। जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको आपको परपेंडिकुलर के करीब रखना है। चलिए तो थोड़ी देर चलने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद जो एंगल फॉर्म होता है वो 60 डिग्री का होने लगता है लड़के के आईज के साथ। यहां पे बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर की टोटल हाइट, और इसमें से यदि लड़के की हाइट निकाल दें हम ये 1.5 मीटर, तो ये बिल्डिंग का ये इस पोर्शन की हाइट सिर्फ आएगी 28.5 मीटर। अब हमने ये बताना है इसमें कि ये बच्चा यहां से यहां तक कितना दूर आया, दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस जब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में वैल्यू कितनी इसकी हुई। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है,
कि अलग अलग फिगर बना लेने हैं यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो। एक 30 डिग्री की फिगर अलग बनानी है रफ में, वहीं पे बना लीजिए आप, और एक 60 डिग्री की फिगर अलग बना लीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। देखिए नीचे का मैंने कोई नाम नहीं दिया है, ये 1.5 मीटर और ये 1.5 मीटर इसमें से मैंने लेस कर दिया है, तो हमने सिर्फ ये निकालना है, एडी निकालना है, इस नीचे की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। बच्चा यहां से चलेगा तो उसके पैर जहां पहुंचेंगे वहीं पे उसके आईज भी वहीं पहुंचेंगे। चलिए तो सेम हम डिजिट यहां पे पुट कर लेते हैं, 30 डिग्री सी बी और ए, दूसरे कंडीशन में डी सी और बी। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एडी, एडी निकालना है जो कि है एडी इक्वल्स टू ए बी माइनस डी बी, ए बी माइनस डी बी हमें ये निकालना है, ठीक है। फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं जिसमें बीसी हमें गिवन है, बीसी है 28.5, हम पहले ए बी निकाल लेंगे फिर बी डी निकाल लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए हमेशा रिलेशन खोलने की कोशिश कीजिए, देखिए एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, एक यहां पे भी एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू टेन 30। देखिए बेसिकली जितने क्वेश्चंस हैं आपके टेन से रिलेटेड है, टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री, टेन 45 वन और टेन 60 रूट थ्री। पहली वैल्यू है 30 का सब आप रेसिप्रोकल में वन अपॉन रूट थ्री रख लीजिए, टेन 45 वन होता है और टेन 60 रूट थ्री। ये तीनों वैल्यू यदि आप याद रखते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, वरना आप मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं कि सारी वैल्यूज आप अपने फिंगर्स पे कैसे याद रख सकते हैं, वहां पे आप मेरी वीडियो पे दूसरी वीडियो पे देख सकते हैं। बीसी इक्वल टू 28.5, बीसी इक्वल टू 28.5 बाई एबी इक्वल्स टू टेन 30, टेन 30 वन अपॉन रूट थ्री। यहां पे ए बी निकालेंगे हम, ए बी इक्वल्स टू 28.5 इंटू रूट थ्री। अब निकालने हमने बी डी क्या होगा, दूसरे केस में बी सी अपॉन बी डी इक्वल्स टू टेन 60। बी सी कितना है 28.5, बी डी इक्वल्स टू टेन 60, टेन 60 रूट थ्री होता है, तो आप बी डी इंटू रूट थ्री, बी डी आप निकालेंगे तो यह होगा 28.5 रूट थ्री, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा अपॉन रूट थ्री। अब बी डी 28.5 अपॉन रूट थ्री हो गया और ए बी, अब हम क्या करते हैं, एडी हमने निकालना तो ए बी माइनस डी बी, ए बी माइनस बी डी, एडी इक्वल्स टू एडी हमने फाइंड करनी कि लड़के बच्चा कितना दूर चला, एडी इक्वल्स टू ए बी 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, रूट थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद
कितना हो जाएगा 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 8 24 25 कैरी 2 3 2 6 और 2 8 85.5 85.5 माइनस 28.5 सॉल्व करेंगे 85 माइनस 28 कितना हो जाएगा 57/√3। जैसे ही डिनोमिनेटर में √3 आया आप इसका रैशनलाइज करेंगे 57√3/√3 ये होगा 57√3/3 कटेगा 319/19√3 मीटर। तो ईडी हमारा कितना निकल गया कि बच्चा कितना दूर चला, ये 19.3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक बिल्डिंग पर एक टावर को लगाया गया है, एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर को लगाया गया है और एक पॉइंट से टावर की अलग अलग एंगल ऑफ इलेवेशन फॉर्म हो रहा है, तो टावर की हाइट बताइए, टावर का बॉटम और टावर की टॉप से। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं पहले क्या है फिगर में। इस टावर के बॉटम से और इस टावर के टॉप से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इस कंडीशन में 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और इस कंडीशन में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। बिल्डिंग की हाइट गिवन है 20 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टावर। तो चलिए फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है और रिलेशन भी हमने देख लिया है ए बी सी डी। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी फिगर दो फिगर हो आप चाहें तो अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले इस फिगर को, छोटे फिगर को लेते हैं, हम बिल्डिंग के साथ सिर्फ रिलेशन देखते हैं, बीसी अपॉन सीडी, बीसी अपॉन सीडी इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री। इसके साथ जो एंगल बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री का है, तो बीसी 45 डिग्री केस में जो साइड होती है वही दूसरी साइड भी होती है, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल तभी फॉर्म होगा जब राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल होगा और राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल दैट मींस कि टू साइड्स इक्वल होंगे। चलिए तो बीसी 20 मीटर, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू सीडी, तो दैट मींस कि सीडी, हमने सीडी निकाल दिया कि सीडी कितना है हमारा 20 मीटर। अब निकालते हैं एसी अपॉन सीडी, एसी अपॉन सीडी, एसी टावर और बिल्डिंग दोनों को इंक्लूड करके एसी अपॉन सीडी इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री। देखिए एसी कितना है नहीं पता हमें, लेकिन एसी में टावर और बीसी दोनों इंक्लूडेड है, तो एसी के जगह पे एबी प्लस बीसी लिख सकते हैं। सीडी हमने अभी अभी फाइंड किया था कि सीडी कितना है, 20 मीटर इक्वल्स टू टेन 60। टेन 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है √3। बीसी गिवन है 20 मीटर, तो एबी प्लस 20 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 20√3, एबी इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20, कॉमन लेंगे आप 20, तो ये होगा √3 माइनस 1।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1.5 मीटर का एक स्टैचू अपने फुट और अपने टॉप के साथ, स्टैचू जो कि एक पेडिस्टल पे रखा हुआ है, एक खंभे में आकृति पे रखा हुआ है, अपने टॉप और अपने फुट के साथ अलग अलग एंगल फॉर्म कर रहा है। अपने टॉप के साथ एंगल जब फॉर्म करता है तो 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, अपने फुट के साथ जब फॉर्म करता है तो वो सिर्फ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। स्टैचू का मेजरमेंट दिया हुआ है, स्टैचू है 1.5 मीटर का और हमें निकालनी है जिस पेडेस्टल पे रखा हुआ है उस पेडेस्टल का मेजरमेंट निकालना है। ये 1.5 नहीं 1.6 है। मीटर। चलिए नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और डी। फर्स्ट फिगर बी सी डी को देखते हैं जहां पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब पेडेस्टल के साथ हम रिलेशन निकालते हैं जिस पे वो रखा हुआ है। तो बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू टेन 45। बी सी हमें निकालना है तो बी सी इक्वल्स टू सी डी मल्टीप्लाइड बाई टेन 45 और टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। तो टेन 45 इंटू 1 दैट मीन्स के सी डी और बी सी दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सी डी इक्वल्स टू बी सी। दूसरे कंडीशन में, दूसरे फिगर जहां पे ए सी और डी के साथ पेडिस्टल के साथ स्टैचू के रिलेशन, दूसरा फिगर ए सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री। ए सी अपॉन सी डी हमने निकाला था, सी डी जो था वो बी सी के इक्वल में था, तो सी डी के जगह पे हमने बी सी को पुट कर दिया और टेन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है। अब ए सी इक्वल्स टू बी सी रूट √3। ए सी हमारा है कितना, ए बी और बी सी। ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी सी √3। अब देखिए ए बी की वैल्यू दे रखी है 1.6 मीटर, हम वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे 1.6 मीटर और ये बी सी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, बी सी √3 माइनस बी सी। हम पूरे शिफ्ट करके इसको लिखते हैं, जहां पर बीसी को कॉमन ले लिया जाएगा, बीसी कॉमन ले लिया हमने तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6 मीटर। बीसी इक्वल्स टू रूट बीसी मल्टीप्लाइड √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6 मीटर। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, बीसी इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। आप इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने से क्या होगा, 1.6 √3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइजेशन के समय इसका साइन जो सर रूट में दिया होता है इसका साइन चेंज कर देते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 1.6 मल्टीप्लाइड √3 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला प्रॉपर्टीज लग जाएगा, तो √3 का स्क्वायर
रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाइड रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू, काटेंगे इसको आप 0.8। ये हमारा पेडेस्टल की हाइट हो गई बीसी, जो हम निकाल रहे थे बीसी निकल के आ गया हमारा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री प्लस वन मीटर, ये पेडेस्टल की हाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक टावर है और एक बिल्डिंग है, दोनों अलग अलग हैं और टावर के टॉप से बिल्डिंग का फुट का एक एंगल फॉर्म होता है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम का एक एंगल फॉर्म हो रहा है। एक टावर है और दूसरा बिल्डिंग है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम का एक एंगल फॉर्म होता है और ये एंगल है 60 डिग्री का, और बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये है 30 डिग्री का। टावर की हाइट आपको 50 मीटर गिवन है। निकालते हैं क्वेश्चन ए बी सी डी। ए बी अपॉन बी सी, इस फिगर में टावर के साथ हम रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी इक्वल ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री, 50 मीटर अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री, रूट थ्री। तो बी सी इक्वल्स टू 50 अपॉन रूट थ्री, बीसी हमने कितना निकाल लिया 50 अपॉन रूट थ्री। दूसरे कंडीशन में निकालते हैं, दूसरे कंडीशन में क्या है सी डी अपॉन बी सी पी बाई एच, सी डी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री, टेन 30 होता है 1 अपॉन रूट थ्री। सी डी हमें निकालना है, सी डी अपॉन बी सी हमने निकाल लिया था 50 अपॉन रूट थ्री, तो ये बी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बी सी मल्टीप्लाइड बाई टेन 30 की वैल्यू पुट किया हमने 1 अपॉन रूट थ्री, बी सी 50 अपॉन रूट थ्री था, 50 अपॉन रूट थ्री इंटू 1 अपॉन रूट थ्री, फाइंड करेंगे क्या होगा 50 बाई थ्री। आप इसको यहां पे भी छोड़ दीजिए, बट नॉर्मली हम मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखते हैं क्वेश्चंस को। 16 होल 2/3 मीटर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है दो पोल है और दोनों पोल रोड के दो साइड में लगे हुए हैं, एक सर्टेन पॉइंट से उन दोनों का एंगल अलग अलग फॉर्म होता है, पोल की हाइट निकालनी है। दो अलग अलग पोल दिए हुए हैं, दोनों पोल सेम लेंथ के हैं, किसी एक खास पॉइंट से एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि 30 डिग्री का है, और दूसरे पोल से एंगल जब देखते हैं तो उसी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कंप्लीट है 80 मीटर। ए बी सी डी और ई, तो हमें पोल आइडेंटिफाई करना है, हमें निकालना है कि ए बी और ई डी दोनों में से क्या है, दोनों इक्वल है, और दूसरा निकालना है बी सी कितना है और सी डी कितना है, सी डी कितना है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री, ए बी
पी था और बी सी एच, पी बी सी बी था, तो पी बाई बी, पी बाई बी इक्वल टू क्या होता है टेन, ए बी हम निकालते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाइड बाई टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री, तो हमने ए बी यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया बी सी मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री। दूसरा लेते हैं दूसरी तरफ से फिगर ई डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू टेन थर्टी, यहां पे भी पी अपॉन बी हो रहा है और एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है थर्टी डिग्री का, थर्टी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन रूट थ्री, तो ईडी और ए बी जैसा मैंने पहले बताया दोनों पे पोल की लेंथ है तो दोनों इक्वल होंगे, एडी इक्वल्स टू डी सी मल्टीप्लाइड बाय टेन थर्टी, टेन थर्टी की वैल्यू होती है रूट वन अपॉन रूट थ्री, हमने रूट थ्री नीचे पुट कर दिया। अब ए बी और ईडी दोनों ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी रूट थ्री इक्वल्स टू डी सी अपॉन रूट थ्री, बी सी रूट थ्री इक्वल टू डी सी अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू डी सी। कंप्लीट बी डी 80 मीटर का है और बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू 80। अब यहां पे डीसी के जगह पे या सीडी के जगह पे 3bc पुट कर दीजिए तो ये हो गया bc प्लस 3bc इक्वल्स टू 80, 4bc इक्वल्स टू 80, तो दैट्स वाई bc इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 20 मीटर। अब आपने bc निकाल लिया, हमारा BC निकल गया 20 मीटर, तो बाकी CD कितना होगा, BC हमारा 20 मीटर है तो CD हमारा कितना होगा 60 मीटर, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 80 मीटर है, हमने BC निकाल लिया CD निकाल लिया, AB AD तो निकला ही नहीं हमारा जो क्वेश्चन पूछा था, AB इक्वल्स टू BC रूट थ्री, तो AB इक्वल्स टू BC रूट थ्री, BC की वैल्यू पुट कर दीजिए 20√3, तो जो पोल की लंबाई है वो है 20√3 और अलग अलग जो मेजरमेंट है वो है 20 और 60 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक टीवी टावर है जो एक कनाल के एक नहर के एक किनारे पे है और वो अपने कनाल के दूसरी तरफ से एक एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का, ये कनाल है ये टीवी टावर और टीवी टावर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है कनाल के दूसरे की तरफ और इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है जहां पे टीवी टावर के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमें निकालनी है कनाल का मेजरमेंट, कनाल की विड्थ कितनी है और टीवी टावर की हाइट कितनी है। नामकरण इसका करते हैं ए बी सी डी, डीसी अपॉन एसी, डीसी अपॉन एसी 30 डिग्री का फॉर्म होगा, पी बाय बी 10 30 डिग्री, डीसी पता नहीं हमें, डीसी इक्वल्स टू एसी मल्टीप्लाइड बाय 10 30 दैट इज वैल्यू पुट करने पर रूट थ्री। हम दूसरी तरफ से निकालते हैं रिलेशन डीसी अपॉन बीसी, सिर्फ 60 डिग्री का एंगल जहां पे फॉर्म कर रहा है कनाल के दूसरी साइड से, डीसी अपॉन बीसी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, तो डीसी इक्वल्स टू बीसी मल्टीप्लाइड बाय 10 60 दैट इज
रूट थ्री। अब देखिए दो बार हमने डीसी निकाला, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे, एसी रूट थ्री और बीसी रूट थ्री दोनों आपस में इक्वल है। एसी अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू बीसी रूट थ्री। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, रूट थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, रूट थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर थ्री। दैट मीन्स की एसी इक्वल्स टू थ्री बीसी, एसी इक्वल्स टू थ्री बीसी। अब हमें पता है कि एसी क्या होता है, एसी हमें पता है कि एसी इक्वल्स टू ए बी प्लस बीसी। और यहां पे कह रहा है एसी इक्वल्स टू थ्री बीसी, तो एसी की जगह पे हम थ्री बीसी पुट करते हैं। ए बी पता है हमें पहले से 20 मीटर, तो यहां पे 20 पुट किया हमने प्लस बीसी, बीसी इधर आएगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2bc इक्वल्स टू 20 मीटर। बीसी आप निकालेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 मीटर। तो बीसी हमने फाइंड कर लिया। बीसी क्या है, बीसी है कनाल, कनाल का मेजरमेंट कितना है 10 मीटर। अब निकालना हमने सीडी, तो सीडी हमने अभी यहीं पे निकाल रखा था। देखिए सीडी या डीसी एक ही बात है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए इसी में आप, तो डीसी इक्वल्स टू एसी अपॉन रूट थ्री। अब एसी कितना है, या एसी कितना है, एसी है थ्री बीसी के बराबर। बीसी हमने निकाल लिया था 10, यहां पे जैसा दिया हुआ है एसी अपॉन रूट थ्री, तो एसी कितना हो जाएगा टोटल 30 अपॉन रूट थ्री। रैशनलाइज करेंगे, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू 30 रूट थ्री अपॉन थ्री, कट करेंगे 10 रूट थ्री, दैट इज 10 रूट थ्री मीटर। तो ये डीसी हमारा क्या था, टीवी टावर, डीसी टीवी टावर, ये कितना हो गया 10 रूट थ्री मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्डिंग के टॉप से एक टीवी टावर को वॉच किया जा रहा है, तो केबल टावर का टॉप और बॉटम का एंगल गिवन है। टॉप में जब ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, और जब हम नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्डिंग की हाइट गिवन है, बिल्डिंग है 7 मीटर का, टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। 7 मीटर, तो इधर भी टीवी टावर में 7 मीटर माइनस कर दिया हमने, हमने टावर के टोटल लेंथ निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं, मार्क कर लेते हैं ए बी सी डी और ई। फर्स्ट कंडीशन में हम इसे लेते हैं 45 डिग्री का एंगल, यदि यहां बन रहा है तो 45 डिग्री का एंगल यहां ही बनेगा, ये प्रॉपर्टीज होती हैं रेक्टेंगल की। ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू 1 होता है, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी कितना है 7, इसलिए बीसी कितना होगा, बीसी इक्वल्स टू भी 7 मीटर। अब बीसी निकल गया, तो बीसी जितना इक्वल था वही एडी का मेजरमेंट है, तो एडी इक्वल्स टू 7 की हो आ गया हमारा, यदि बीसी है तो। अब चलिए इस फिगर को देखते हैं, ईडीए, ईडी
अपॉन डी ए इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री। ईडी कितना है, ईडी फाइंड करना है, ईडी इक्वल्स टू डी ए, डी हमारा था 7 मल्टीप्लाइड बाय टेन 60 रूट 3, तो ईडी कितना हो गया 7√3। तो ये मेजरमेंट हमारा 7√3 हो गया और नीचे 7 दिया हुआ है, तो टीवी टावर का टोटल लेंथ कितना हो गया, केबल टावर का ईसी इक्वल्स टू 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लीजिए, 7√3 प्लस 1, ये हो गया हमारा केबल टावर का मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें एक लाइट हाउस से दो शिप को देखी जा रही है, जो दोनों शिप्स एक दूसरे के बिल्कुल बैक टू बैक हैं। टावर का हाइट दिया गया है, एक शिप है और उसके बिल्कुल बैक में एक शिप है, टावर का हाइट है 75 मीटर और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, वो फर्स्ट केस में 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स कि ये 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसके 30 डिग्री फॉर्म होने से यहां पे 30 डिग्री बनेगा और दूसरे केस में 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे 45 डिग्री फॉर्म होगा। तो हमने इसमें बताना है कि दोनों शिप्स के बीच में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। पहला काम फिगर, ट्रिग्नोमेट्री का फिगर सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद नामकरण करेंगे, रेशियो खोजेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए बी सी डी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री। ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री। ए बी 45 के बारे में आप कह सकते हैं कि जो भी मेजरमेंट दिया होगा वही उसका बी सी, टेन 45 वन होगा तो बी सी इक्वल टू 75 मीटर। दूसरे केस में आप निकालेंगे ए बी अपॉन बी डी, पी बाई बी इक्वल्स टू टेन 30। ए बी कितना है 75, बी डी कितना है नहीं पता, बी डी हम निकाल लेते हैं, तो बी डी इक्वल्स टू टेन 30, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये बी डी निकल के आएगा हमारा, बी डी इक्वल्स टू 75√3। बी सी आया था 75, बी सी हमने निकाला था 75 और बी डी आया 75√3, हमने क्या निकालना है सी डी, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, तो सी डी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना है, बी डी है 75√3 माइनस बी सी 75 मीटर, माइनस कर दीजिए 75√3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल एक बलून को देख रही है, जो कि बलून हवा में 60 डिग्री का एंगल उसके साथ फॉर्म हो रहा है और थोड़ी देर के बाद उस लड़की के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होने लग रहा है। तो ये बताना है कि बलून उस टाइम इंटरवल में, थोड़ी देर के बाद जो कही जा रही है उस टाइम इंटरवल में बलून ने कितना डिस्टेंस कवर करा। बलून की हाइट 88.2 मीटर बताई गई है, पहले कंडीशन में लड़की ने देखा ये गर्ल की हाइट है, गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है,
पहले कंडीशन में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और दूसरे कंडीशन में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है टोटल लेंथ। 88.2 में से गर्ल की हाइट निकाल लेंगे आप तो ये टोटल दिया हुआ था 88.2, आप इसमें से जब 1.2 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 87 मीटर, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस जो है इसकी हाइट है वो 88.2 है और हमने जो फाइंड किया 87 ये सिर्फ ये सेक्शन है, ठीक है। निकालना हमने ये कि बलून इससे ये डिस्टेंस जो गया है ये कितना है, ठीक है। दे देते हैं हम लोग इसका, इसको भी एक नाम दे देते हैं, नामकरण करना हमारा काम है। ए बी सी डी ई, फर्स्ट फिगर हम लेते हैं ए डी और सी, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी पी बाई बी, पी बाई बी इक्वल्स टू इस केस में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था तो टेन 60 डिग्री। अब एडी दिया हुआ है 87 मीटर, 87 अपॉन डीसी या सीडी कुछ भी लिख लें, टेन 60 होता है रूट थ्री, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ये 87 अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू सी आएगा हमारा 87 बाय रूट थ्री। सॉल्व करेंगे आप इसको रैशनलाइज करिए, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री थ्री हो जाएगा, 87 रूट थ्री अपॉन थ्री डिवाइड करेंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स और थ्री नाइन जा 27, ये कितना निकल के आया हमारा सीडी 29 रूट थ्री, सीडी निकल के आया 29 रूट थ्री, बट सीडी तो हमारा निकालना नहीं है, हमने निकालना है ए बी निकल जाए हमारा या फिर डी निकल जाए, ये दोनों इक्वल है आपस में से करते हैं। बी ई और सी ट्रायंगल लेते हैं, बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू टेन 30, बी 87 अपॉन ई सी इक्वल्स टू टेन 30, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट थ्री, तो ई सी इक्वल्स टू 87 रूट। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ईसी हमने निकाल लिया, ईडी हमने निकालनी है, तो ईडी इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं ईसी माइनस डीसी, ईसी माइनस डीसी, चलिए निकालते हैं। डीई निकालनी है, डी इक्वल टू ईसी माइनस डीसी, 87 रूट थ्री माइनस डीसी कितना है 29 रूट थ्री, माइनस कीजिएगा 87 माइनस 29 कितना हो जाएगा 58 रूट थ्री मीटर, तो ये हमारा है 58 रूट थ्री मीटर। टावर पे से एक आदमी दूर से आती हुई कार को जब वॉच करता है तो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है और उसके बाद फिर 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 6 मिनट के बाद 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि वो कार टावर तक आते आते, बिल्कुल एग्जैक्टली टावर तक आते आते कितना टाइम लगाएगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस केस में बन रहा है तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लेते हैं, इमेजिनरी लाइन। पहले केस में जब यहां से टावर से ये आदमी देख वॉच करता है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है,
दैट मीन्स कि कार अभी इस पॉइंट पे है, ए बी सी। 30 डिग्री का यहां जब बन फॉर्म होगा तो 30 डिग्री का यहां भी फॉर्म होगा। दूसरे केस में आदमी 6 मिनट के बाद जब फिर उसी कार को वॉच कर रहा है तो देखता है कि कार उसके साथ 60 डिग्री का डिप्रेशन बनाने लगी, दैट मीन्स ये 60 डिग्री। तो बताना है ये टाइम यहां का कोई मेजरमेंट नहीं है, यहां का सिर्फ 6 सेकंड गिवन है कि 6 सेकंड के बाद कार यहां पे आ गई थी। और यदि इफ कार रन्स इन यूनिफॉर्म स्पीड तो कार को इस टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ए बी अपॉन, इसका नाम भी देते हैं, ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री। ए बी इक्वल्स टू बी डी, टेन 60 की वैल्यू रूट 3। दूसरे कंडीशन में हम फिर से ए बी को निकाल लेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1/√3। ए बी हम फाइंड करेंगे तो ए बी निकल के हो आएगा बी सी अपॉन रूट थ्री। अब देखिए ए बी हमने दो बार निकाला, एक बार बी डी रूट थ्री आ रहा है और ए बी दूसरी बार निकाला तो बी सी अपॉन रूट थ्री आ रहा है। और बी सी जो है ये बी डी और डी सी का कॉम्बिनेशन है, बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी है। यदि आप सिर्फ डीसी को निकालेंगे तो डीसी कितना निकलेगा, ये बी डी बाई रूट थ्री है। अब दोनों वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, हम बी डी रूट थ्री और बी डी प्लस डीसी बाय रूट थ्री को करते हैं। बी डी रूट थ्री इक्वल्स टू बी डी प्लस डीसी अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री और रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये हो जाएंगे 3 बी डी इक्वल्स टू बी डी प्लस डीसी, बी डी माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बी डी इक्वल्स टू डीसी। अब 2 बी डी माइनस डीसी मतलब डीसी में जितना टाइम लगेगा उसका हाफ टाइम बीडी में लगेगा, इतना डिस्टेंस है। कैसे, बीडी इक्वल्स टू डीसी अपॉन 2। डीसी यदि डिस्टेंस को 6 सेकंड्स में यदि क्रॉस करता है तो बीडी को कितने सेकंड में क्रॉस करेगा, यहां पर सिर्फ टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए। डीसी डिस्टेंस को 6 सेकंड में किया जा रहा है, 6 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 सेकेंड। यहां पे लास्ट क्वेश्चन में एक टावर से एक डिस्टेंस गिवन है, एंगल कोई भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल को आप एड करते हैं और उसको उसका सम जो आएगा वो 90 डिग्री होगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, 60-30 भी हो सकता है, 45-45 भी हो सकता है और 50-40 भी हो सकता है। तो यहां पे इस तरह से एंगल यहां पे गिवन है। इस पॉइंट से, इस टावर के पॉइंट से ये डिस्टेंस 4 मीटर है और टोटल डिस्टेंस 9 मीटर है।
तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इस टावर की हाइट 6 मीटर होगी। ये प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है, इसलिए यहां पे 6 मीटर हम नहीं लिख सकते। एंगल गिवन है कि ये दोनों को मिला ऐड किया जाए तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लेट सपोज ले लेते हैं, आप थीटा ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। एक्स ले लिया हमने तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। नामकरण करते हैं ए बी सी और डी। अब ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए बी पी बाई बी इक्वल्स टू टेन एक्स। तो ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू टेन एक्स, यहीं पे रखते हैं हम। आगे करते हैं दूसरे फिगर में, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू टेन 90 माइनस एक्स। और टेन 90 माइनस एक्स कितना होता है, टेन 90 माइनस एक्स होता है कॉट एक्स, 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉट थीटा। तो ए बी बाय बी डी इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट एक्स सॉरी कॉट एक्स। ऐसा करते हैं टेन एक्स और कॉट एक्स, हमें पता है कि टेन एक्स और कॉट एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वन होता है। हम टेन एक्स और कॉट एक्स मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है ए बी बाई बी सी। ध्यान रखें हमने कहीं भी वैल्यू पुट नहीं करी है, ए बी बाई बी सी इंटू ए बी बाई बी डी। टेन एक्स और कॉट एक्स, टेन और कॉट दोनों पी बाई बी और बी बाई पी, दैट मीन्स की वन। ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी, बी सी है 4 और बी डी है 9। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो ए बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 36, दैट प्लस माइनस 6। जब रूट निकालते हैं तो प्लस 6 का भी रूट निकालेंगे, प्लस 6 को स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा। माइनस 6 वैल्यू हो नहीं सकता है क्योंकि टावर की हाइट है और टावर गड्ढे में तो है नहीं, तो इसलिए वैल्यू जो होगी टावर की ए बी इक्वल्स टू 6 ही होगा। चलिए, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।